हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो देखने के बाद उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आएगी तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में और आप लोगों की प्यार। चलिए देख लेते हैं आज का पहला वाला टिप्स मेरा प्याज को लेकर है। दोस्तों, प्याज अक्सर हमारे घर पर आप लोग हर घर में आपको प्याज मिल जाएगी और प्याज के बिना तो कुछ बनता नहीं, सब्जी वगैरह। तो प्याज के साथ थोड़ा बहुत दिक्कत हमें होती है, जो हमें प्याज काटने के टाइम हमें बहुत ही रोना होता है, बहुत ही आंसू वगैरह निकल आती है। और प्याज एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही टेस्टी खाना इससे बनती है। तो हम क्या करेंगे, प्याज काटते हैं, काटने के बाद हमें थोड़ी दिक्कत होती है, हमारी हाथों को दिक्कत होती है, हमारी आंखों को दिक्कत होती है और प्याज थोड़ा हमें आंसू वगैरह रुलाती है। तो थोड़ा सा ये काम देखिए, प्याज काटने के बाद हमारे हाथों में बहुत ही गंदी स्मेल रहती है और प्याज की स्मेल ऐसी होती है कभी जाती भी नहीं। और इसका तो बहुत सारे नुस्खे हैं स्मेल जाने के लिए, यहाँ पे मैं अपनी तजुर्बे से बता रही हूँ जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। ये कि सरसों की तेल, आप प्याज काटने के बाद थोड़ा सा सरसों की तेल हाथ में लगा लीजिए, आपको हाथ धोने की जरूरत नहीं है, हाथ में ऐसे लगा लीजिए। सरसों की तेल इतनी स्ट्रांग होती है कि ये प्याज की खुशबू चली जाती है। अगर हाथ धो के लगाते हैं ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लगाते हैं ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला ये होता है, आए दिन हमारे घर पे सब्जी वगैरह बनती है, जो भी सब्जी जो भी फल हम खाते हैं उसका छिलका अक्सर हम फेंक देते हैं। तो छिलका ना फेंके, और छिलकों से इतनी बड़ी काम होती है, इतनी अच्छी काम होती है और इतनी स्वस्थ काम होती है। तो चलिए पहले घर पे हमारे जो भी छिलके होते हैं, प्याज लहसुन आलू बैंगन, कुछ भी छिलका हो और फल की छिलका हो, जैसे कि एप्पल को हम निकाल देते, कुछ भी करते, उसी छिलके को ना फेंके, उसी छिलके को रख देंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने गैस पे बर्तन में पानी बिठा ली और ये पानी में हल्दी डाल दी। हल्दी एंटी बैक्टीरिया प्रॉपर्टी इसमें होती है, तो सारी बैक्टीरिया को ये खत्म करती है। तो हल्दी के साथ हम छिलके को अच्छे से उबाल लेंगे, ऐसे नहीं कि सीम पे, थोड़ा मीडियम लो पे हम इसको उबाल लेंगे। थोड़ा बहुत ही उबल जाए, जैसे कि 10-15 मिनट 20 मिनट ये पानी उबल जाए। देखिए ये पानी कितने अच्छे से उबल चुका है और ये उबले हुए पानी को हम गिलास में डालते हैं और इसकी छिलके को आप चाहे तो इस छिलके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये पानी के बारे में बोल रही हूँ, तो सारी जो प्रॉपर्टी है, जो अच्छी प्रॉपर्टी है पानी में आ गई, छिलके की जो अच्छी प्रॉपर्टी है। तो चली आई मैं अपनी पौधे के पास। हम अक्सर हमारे घर पे इंडोर आउटडोर प्लांट्स रखते हैं, इसे छोटे छोटे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, इसको ये पानी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही हरा भरा ये उगते हैं और बहुत ही हरा भरा दिखते हैं। और ये जो सारे कीड़े वगैरह होते हैं, जो हमने हल्दी डाला है, ये हल्दी जो कीड़े वगैरह होते हैं हमारे प्लांट को ख़राब करते हैं, तो कीड़े वगैरह भी मर जाएंगे। ऐसा हो क्या कि हमें सब्जी फल खा लिए और छिलकों से भी हमारी पौधे को बचा लिए। आई होप ये टिप्स आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स। देखिए यहाँ पर मैंने दूध से मलाई निकाल दी। दूध अक्सर हम जो बिठाते हैं, दूध में मलाई होती है, तो दूध की मलाई हमने निकाल दी। थोड़ा सा दूध ले ली और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही भी डाल दी छोटी सी कटोरी में। ये दही और दूध और ये मलाई, तीनों को चीजों को अच्छे से मिला के मैं यहाँ पे देखिए अच्छा वाला मिश्रण बना ली। तो चलिए देख लेते इससे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे ले आए ठंडा तेल, ठंडा की जो नवरत्न का ठंडा तेल होते हैं, डिफरेंट कलर के होती है। अक्सर ये गर्मी के मौसम में हम ठंडा तेल हमारे बालों में लगाते हैं और बहुत ही ठंडक मिलती है, आराम मिलती है। तो ठंडा तेल से बहुत ही अच्छी वाली काम भी होती है। तो इस मिश्रण में हम क्या करेंगे, ठंडा तेल को थोड़ा सा मैंने डाल दी। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर ली और इसे देखिए हाथों में अच्छे से लगा ली। ये ठंडा तेल आयुर्वेदिक ऑयल होती है, तो इसमें जो ठंडक वाली प्रॉपर्टी होती है, बहुत ठंड लगती है। तो यहाँ पे गर्मी के मौसम में अक्सर ये होता है कि हमारी स्किन वगैरह इतना ड्राई होती है दोस्तों, इतना ड्राई होती है कि मॉइस्चराइजर तो काम ही नहीं करती है। तो घर पे जो चीज़ है हम उससे हमारी स्किन को बचा सकते हैं। ये गर्मी इतना भयंकर आज इस साल हो रही है कि ये थोड़ा सा लगा लेंगे ना, हमारे हाथ पैर हर जगह जो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी और कोनी वगैरह में जो कालापन है और पैर में जो कालापन है वो हट जाएगी। और बच्चों के भी आप लगा सकते हैं, अगर बाहर जा रहे हैं कि बाहर अगर आप जा रहे हैं तो इसको लगा के आप बाहर जाइए, बेधड़क ये सनस्क्रीन जैसा काम करता है। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला यहाँ पे मेरी ये डिब्बे को लेकर, ये इस तरह की दही की डिब्बे आती है दोस्तों, अगर आप ये हाफ लीटर नहीं तो एक लीटर वाला दही लोगे कि इस तरह की डिब्बे आती है, हर घर में इस तरह के डिब्बे मिल जाती है। तो इस डिब्बे से हम मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस डिब्बे से इतना सारा काम करती हूँ और ये एक काम भी मेरे घर पे भी होती है। ये दही की डिब्बा बहुत होती है तो इस डिब्बे को हम काम पे लगाते हैं।
हमारे घर पे जो किचन का जो बहुत सारे स्पून्स होती है, तरह तरह के स्पून्स हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, छोटे बड़े मीडियम, फॉक, नाइफ, कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करके रखने में बहुत ही दिक्कत होती है। याद इधर हम स्पून के लिए स्टैंड खरीदते और नहीं तो हम स्पून को एक साथ जमा के रख लेते हैं, तो इससे क्या होता है जब भी हम निकालते हैं हमें दिक्कत होती है कौन सा स्पून हड़बड़ी में जम रहे थे। तो हम क्या करेंगे, सारे स्पून को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे ये मल्टीपर्पज डिब्बे में, इस डिब्बे से ऑर्गेनाइज करके रख लेती। एक डिब्बे पे मैंने सारे स्पून्स रख ली, एक डिब्बे पे हमारी जो नाइफ, फॉक, बड़े बड़े स्पून, जो करछी वगैरह इसमें रख ली, और ये जो छोटा छोटा स्पून है इसको मैं स्पून स्टैंड में रख ली, क्योंकि ये स्पून स्टैंड में मुझे स्पून चम्मच वगैरह रखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत सारे चम्मच स्पून वगैरह है। अगर आप चाहे तो ये भी करछी आप रख सकते हैं, लेकिन ये फिट नहीं हो रहा है तो इसको मैं इसमें से निकाल देती हूँ और इसी डिब्बे में रख लेती हूँ। ये जुगाड़ हो गई, हमें स्पून स्टैंड खरीदने की, चम्मच की स्टैंड खरीदने की जरूरत नहीं है। ये दही डिब्बा बहुत ही काम आती है, देखिए इस तरह से मैं घर पे रख लेती हूँ ताकि मेरा काम बन जाए। और ढूंढने पर हाथ के पास वाला हैक्स देखिए, आइस ट्रे को लेकर है। इस गर्मी में हम फ्रिज में भर भर के आइस रखते हैं, क्योंकि आइस हमें हर काम में इस्तेमाल होती है, तो गर्मी में हमें एक दो ट्रे हमारी आइस फ्रीजर में होती है, तो हमें बहुत सारे आइस क्यूब चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा टिप से अगर आप आइस बिठा रहे हैं ट्रे पे, तो थोड़ा गुनगुना वाला पानी, यानी कि गर्म पानी, ज़्यादा नहीं कम गर्म, गुनगुना वाला वार्म वाटर, उसमें आइस बिठाइए। देखिए 20 या 30 मिनट में आपकी आइस फटाफट बन जाएगी और इस गर्मी में बहुत मदद होने वाली है। आज का टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लोगों को कैसा लगा प्लीज़ वीडियो में और बताइए, कॉमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं।